शुरू करते हैं आज नए टॉपिक के साथ, मैट्रिसेस, जो आपका सबसे फेवरेट एंड सबसे सिंपल सीईटी कंपलसरी दो क्वेश्चंस। आप देख सकते हो एमएचसीईटी 2018 का क्वेश्चन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, देन ए स्क्वायर माइनस 5 ए, ब्रैकेट कंप्लीटेड, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू वॉट, दे हैव गिवन यू दी फोर ऑप्शंस। रीड आउट क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है मैट्रिसेस का। पहले क्वेश्चन को थोड़ा जान लेते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा है। सो ए स्क्वायर माइनस 5 ए एंड ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, कैन वी अप्लाई दिस ए इनवर्स टू दिस ब्रैकेट? येस, सिंपल वर्ड्स, ब्रैकेट ओपन कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 ए इंटू ए रेज टू -1। बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा रहेगा, बचपन में मतलब 11th स्टैंडर्ड में, ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट वॉट आई, दैट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। दैट विल गिव्स यू, कम ऑन, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ब्रैकेट मतलब पावर दोनों का क्या है, सेम है, तो दैट विल गिव्स यू ए 2 -1, राइट, -5 इंटू वॉट आई, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट आई। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल दी मैट्रिसेस, इट इज़ वेरी सिंपल। ए मैट्रिक्स तो अपने पास है 1 2 3, -1 1 2 1 2 4, -5 इंटू वॉट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 5 को अंदर लेके जाते हैं तो दैट विल गिव्स यू 1 2 3, -1 1 2 1 2 4, एंड 5 को अंदर लेके गए तो दैट विल गिव्स यू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सिंपल है, कम ऑन, 1 -5 -4 कहाँ पे दिख रहा है? दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ए और डी, बचा बी और सी। ओके, बी और सी में सेकंड चेक करते, 1 2 पोजीशन, 2 -0 कितना होता है, 2। मिल गया आपको यार, हम आंसर पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं, और करेक्ट ऑप्शन इज बी। कॉपी डाउन दी स्टेप, इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। एमएचसीईटी 2018 सेम पेपर का क्वेश्चन है, अगेन आपको पता है 2 मार्क के लिए, अपना सिंपल चैप्टर मैट्रिसेस के। इफ ए इज इक्वल टू, दे हैव गिवन यू दी मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 1 1 5 2 4 7, देन द वैल्यू ऑफ, ओके, रीड आउट दिस वेरी केयरफुली, दैट इज A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33 इज इक्वल टू वॉट। ऐसे तरीके के जो क्वेश्चन उससे होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं। पहले तो प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व करते हैं एग्जैक्टली क्या पूछा है। 31 पोजिशन इज नथिंग बट दिस, कम ऑन, 32 पोजिशन इज नथिंग बट दिस, एंड 33 पोजिशन इज नथिंग बट दिस। आपको नहीं लगता ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, बात खत्म हो जाएगी, राइट? तो चलो, लगे हाथों डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। विल गिव यू 5 सेकेंड्स, जस्ट कैलकुलेट इट वेरी फास्ट एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन। ओके, चलो आपके साथ साथ मैं भी शुरुआत करता हूँ। 1, पहले ये 1 ले लिया, मेरे ख्याल से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, नहीं भी आता है तो भी मैं बता देता हूँ। पहला मैंने एलिमेंट ले लिया 1, कॉलम एलिमिनेट किया, रो एलिमिनेट किया, जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन, कम ऑन, 7 इंटू 1 इज 7, -5 इंटू 4 इज 20, नेक्स्ट टर्म इज 2, उसको माइनस ले लेने का, प्लस माइनस प्लस, आपको तो फंडा पता रहेगा, अगेन एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, 7 इंटू 1, इट इज़ वेरी इजी, दैट इज 7 -10 +3, अगेन एलिमिनेट दैट रो कॉलम, 4 -2, जो भी आंसर आएगा जस्ट राइट डाउन। आई थिंक आप सबको आंसर पता चल चुका है, योर आंसर शुड बी -1, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जस्ट लिख के लो, कुछ है ही नहीं इसमें, कम ऑन, जस्ट लाइक द पेज, लाइक अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।